नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। और उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कुछ दिन बाद होने वाले हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव मैदान में उतरेंगी। हम मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में और हमारे साथ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला चुनाव संयोजक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अरिजीत सिंह हैं। सीधे बात करते हैं इन्हीं से, क्या तैयारी है सर चुनाव को लेकर और किस तरह से अभी आवेदन आ रहे हैं आपके पास और लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसा कि दृश्य पूरे देश में है कि पूरा देश भाजपामय हो चुका है। मऊ भी इसी देश का एक जिला है। मऊ जनपद में भी पंचायत चुनाव के दृष्टिकोण से, संगठनात्मक दृष्टि से व्यापक ढंग से तैयारी की जा रही है। जनपद में कुल 34 जिला पंचायत वार्ड हैं, 9 जो है हमारे शासकीय ब्लॉक हैं, विकासखंड जिसको कहते हैं। तो प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य विजयी हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हो और सभी 9 विकास खंडों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख हो, इसकी तैयारी पूरे जोर शोर से हम लोग कर रहे हैं। बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बनी हुई है, सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है और पूरे मनोयोग से तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। तो क्या कुछ पैमाना होगा जो प्रत्याशी चयन का, किस तरह से आप लोग चुन रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को ऊपर से दिशा निर्देश मिला हुआ है कि किस तरह से एक पार्टी के प्रत्याशी का चयन करना है जो आगे आपके चुनाव में विजयी हो सके, क्या है तैयारी आपकी? देखिए, हम कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता इस चुनाव में दिया जाएगा और बहुत सारे कार्यकर्ता हर सीट पर चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं और वो क्षेत्रों में प्रयास भी कर रहे हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं में सबकी सहमति से जो बेहतर परिणाम दे सकता है उसको हम लोग प्रत्याशी बनाने की का प्रयास करेंगे। अभी आपके जो जिले के प्रभारी थे, प्रदेश महामंत्री, वो भी आए थे, उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या कुछ रणनीति बनाई गई, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव लड़ती है, लोकसभा चुनाव लड़ती है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी बहुत मजबूती के साथ लड़ने जा रही है, तो किस तरह से उसमें आगे आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फतह हासिल करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट किया गया है। पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को अभी हर क्षेत्रों में लगाया जाएगा और वो चुनाव से पहले ही डोर टू डोर बीजेपी के लिए संपर्क करेंगे, वोट मांगेंगे और जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसके पक्ष में वोट मांगा जाएगा। इसलिए सारे नेता, जितने हमारे पार्टी के नेता हैं, वो एक एक गांव में उनके एक एक सेक्टरवार उनकी ड्यूटी लगेगी, गाँव जाएंगे, दरवाजे जाएंगे, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की पहले से टीम बनी हुई है। अब वो बूथ कार्यकर्ता अब जिला पंचायत के चुनाव में पूरी ताकत के साथ लग गए हैं और एक हर एक पन्ना प्रमुख बना दिया गया है। एक पन्ने पर 15 से 20 परिवार होते हैं, उन घर घर संपर्क, हमारा अभियान जारी है, हमारे कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। वैसे भी हमारी पार्टी में प्रत्याशी का कोई बहुत मतलब नहीं होता, प्रत्याशी तो एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत प्रत्याशी उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव की तैयारी में लगी रहती है और संगठन के कार्यकर्ता सदैव पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और इस चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी हम केंद्र सरकार की नीति, प्रदेश सरकार की नीति, योजनाओं पर, जन कल्याणकारी योजनाओं पर, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो ढेर सारी योजनाएँ, कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उनको जनता तक पहुँचा रहे हैं। जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो हमारा यह चुनाव वैसे ही होगा जैसे हम लोग सभा विधानसभा लड़ते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। हम अपनी सरकार के नाम पर ही, श्रद्धेय मोदी जी के नाम पर, श्रद्धेय योगी जी के नाम पर, उनके कार्य के नाम पर हम चुनाव मैदान में हैं और निश्चित रूप से जैसे हम लोकसभा विधानसभा में बहुमत हासिल किए थे, इस बार पंचायत चुनाव में उससे भी ज़्यादा। हम कहते हैं कि हो सकता है कि मऊ जनपद में विपक्ष के नजर न आवे। किससे मांगते हैं लड़ाई, किससे रहेगी आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में, बसपा, सपा और किससे लड़ेगी? और भी तमाम पार्टियां हैं, अभी ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं पंचायत चुनाव लड़ेंगे, तो किससे मांगते हैं लड़ाई अपनी? आपने पहले पिछली बार विधानसभा में देखा होगा 17 के, फिर 19 के लोकसभा में देखा होगा, ये जितने विपक्षी पार्टी एक साथ होकर के भी जोर आजमाइश कर चुके हैं। तो अब यह कहना क्या, तो प्रमाणित है, दुनिया जानती है कि ये विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में तो कहीं नहीं है और अगर लड़ेंगे तो स्वागत है उनके लड़ने से कम हमारे पार्टी के परिणामों को असर नहीं होने वाला है। लोकतंत्र है, लड़ना उनका अधिकार है, जो चाहे चुनाव लड़े,
लेकिन जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी है। एक आम सवाल, क्या पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी या बिना सिंबल पे समर्थित रहेगी प्रत्याशी? नहीं, पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ाने की अभी कोई योजना नहीं है। अभी जो पार्टी का जो प्रदेश से नेतृत्व से जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से सिंबल से चुनाव नहीं होना है। पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, अधिकृत प्रत्याशी घोषित होगा और पार्टी के सारे लोग उस चुनाव अभियान में लगेंगे। एक डोर टू डोर कैंपेन की बात कही आपने कि पन्ने पर, एक पन्ने पर जो मतदाता सूची होती है जिसपे 10-15 नामे होते हैं उन सभी से मिल रही है, तो इस पर कुछ विस्तार से बताएं क्या है वो आपका जो माइक्रो ऑब्जर्वेशन का मामला है वो? नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, हाँ, माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब कि न्यूनतम स्तर पर, नीचे से नीचे स्तर पर हमारी तैयारी है, क्योंकि मतदान के दिन एक भी परिवार का वोट न बचे। तो हम अपने कार्यकर्ताओं को ऐसी जिम्मेदारी दी जा रही है कि एक मतदाता सूची का एक पन्ना उसके जिम्मे रहेगा। एक पन्ने पर अगर 15-20 परिवार है तो वो हमारा कार्यकर्ता उस पन्ने पर जो परिवार अंकित हैं उस परिवारों में संपर्क करेगा, वहाँ के मतदाताओं से संपर्क करेगा और मतदान के दिन उस परिवार का एक भी वोट न बचे, मतदान हो जाए, मतदान केंद्र तक, मतदान बूथ तक ले जाने की भी जिम्मेदारी उस कार्यकर्ता की होगी। ये हमारा मैनेजमेंट है। एक अहम सवाल जो कि आम कार्यकर्ता भी पूछता है, जब शासन सत्ता आता है और तमाम पार्टियां, जैसे भारतीय जनता पार्टी की इस समय केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, तो ऐसे बहुत से लोग बाहरी आ जाते हैं जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, जो अपने नाम अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती हैं, लेकिन उसमें एक आम कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं पीछे अपने आप को महसूस करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक, चुनाव संयोजक होने के नाते आप किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चलेंगे आगे? देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के समय कार्यकर्ता पीछे होते हैं। अभी आप अभी पिछला उपचुनाव देख लीजिए, हमारे पार्टी के, हमारे संगठन के जिला महामंत्री, तीन जिला महामंत्रियों को विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ाया गया था। इसके पूर्व भी हमारे जिला अध्यक्ष भी चुनाव लड़े हैं और पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी प्राथमिकता में होते हैं। अब पार्टी बढ़ी है, दूसरे दलों से भी लोग आते हैं, तो उसमें भी जो लोग योग्य होते हैं उन पर भी विचार किया जाता है, क्योंकि जब पार्टी में आ गए तो उनकी भी योग्यता पर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो मूल कार्यकर्ता है वो हमारी पहली प्राथमिकता है। चलिए, ये थे अरिजीत सिंह जो बात कर रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है और उन्हें कतई पार्टी आने वाले चुनाव में उनसे आप वो नहीं रखेगी, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहली प्राथमिकता चुनाव में टिकट को लेकर दी जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।